मैं बहुत बहुत कोट कोट आभार व्यक्त करता हूँ केंद्रीय हिंदी फिल्म प्रमाणन बोर्ड का, इस मूवी के डायरेक्टर और एक्टर्स जितने भी पात्र हैं सबका कोट कोट आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, चूँकि हम पेशे से डॉक्टर हैं इसलिए हमें हर जगह अपने मतलब की चीज़ें समझ में आती हैं कि कौन सी बीमारी है, इसकी कौन सी होम्योपैथिक दवा हो सकती है। तो इसमें वीडियो क्लिप लेने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश में, समाज में बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जो इस मूवी से मिलती जुलती बीमारी से पीड़ित है या कल सेम बीमारी से पीड़ित हैं, जिन्होंने खुद को समय पे और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है और बहुत सारी दवाइयां करी लेकिन उनकी जो न्यूरो की समस्या है, न्यूरो साइकोसिस की समस्या है, पागलपन, अनिद्रा, बेचैनी, वो ठीक नहीं हो रही है। तो सिर्फ उन्हीं को ठीक करने के उद्देश्य से इस वीडियो क्लिप को लिया हूँ। यदि कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए, माफ करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। मित्रों, इसका जो पेशेंट होती है जल्दी उसको किसी से लगाव नहीं होता है, क्योंकि हर जगह हर चीज में एक ही चीज बीच में आड़े आता है, हैसियत, रुतबा, इसका स्टेटस क्या है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखती है और उन्हीं लोगों के साथ में वो उठना, बैठना, रहना पसंद करती है जो उसके स्टेटस के होते हैं। लगता है आपने लोकल ट्रेन में बहुत सफर किया है, कहीं आप उन गाने वालों में से तो नहीं? क्या कह रही हैं आप? सुना नहीं आपने? देखिए आप तमीज से बात कीजिए। मुझे तमीज सिखाएंगे आप? में प्यार तो होता ही नहीं है, और अगर किसी से गलती से हो भी जाता है तो फिर कोई भी ताकत उस इंसान को सुखा नहीं सकती। कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो पेशेंट है उसको कभी भी किसी से इश्क, मोहब्बत, प्यार होता ही नहीं है, लेकिन अगर जो हो गया ना तो फिर वो इंसान दुनिया का सबसे महान इंसान होगा और कोई भी दुनिया की ताकत उसको उससे अलग नहीं कर सकती है। मजबूर नहीं कर सकती? मैं मजबूर कर सकती हूँ। आप अर्जुन की एक नहीं, दर्जनों कसेट निकाली, लाखों कसेट निकाली। जब किसी के घर में टीवी ऑन होगा ना तो सिर्फ अर्जुन का चेहरा दिखना चाहिए, सिर्फ अर्जुन की आवाज सुनाई देनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ? कितनी ऑडियो कैसेट्स बनाते हैं? इतनी ऑडियो कैसेट्स बनाइए जितने आपने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। मैं ये ऑडियो कैसेट्स बेचूंगी नहीं, बांट दूंगी। मित्रों, इसकी जो मरीज होती है उसका मनोबल बहुत मजबूत होता है, वह सातवें आसमान पे उसका मनोबल होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मुश्किल से मुश्किल चीजें को भी वह बहुत ही आसानी से इजीली प्राप्त कर लेती है और अपने किसी भी मकसद के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। वह अपने प्रेम के लिए, अपने प्रेमी के लिए किसी हद तक जा सकती है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी आंच उसके ऊपर नहीं आ सकता जब तक वह जिंदा है, ऐसी भावना उसके अंदर देखने को खूब मिलती है। मित्रों, इसकी जो मरीज होती है उसे झूठ, फरेब, मक्कारी कतई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। अगर जो उसे पता चल जाए कि वह जिससे प्यार कर रही है उसके साथ फ्रॉड कर रहा है तो वह उसको बीच सड़क पर भी दौड़ा दौड़ा करके मार सकती है, उसे किसी की परवाह नहीं है। वह किसी भी हद तक जा सकती है अगर जो उसके साथ में कोई चीटिंग या फ्रॉड करते हुए दिख गया या मिल गया, क्योंकि उसमें एक चीज़ बहुत खास होती है
कि वह किसी को प्यार करती ही नहीं है। अगर जो एक को प्यार करती है तो एक में ही पूरी दुनिया को समेटना चाहती है, ऐसा देखने को मिलता है। इस मरीज की एक बहुत ही चरित्रगत कैरेक्टरिस्टिक की नोट पॉइंट के आधार पर गुण देखने को मिलता है, वो डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी बता रही हैं आपको। ऐसे पेशेंट अक्सर मर भी सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। अगर वो कोई सामान उनका नहीं तो फिर किसी का नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि वो किसी का हो जाए या मैं किसी की हो जाऊँ, वो मरने मारने तक की बात कर रहे हैं। अगर जो मेरा नहीं तो ये किसी का नहीं, तू मेरा नहीं हो सकता है तो किसी का नहीं हो सकता है, उनको खोने का बड़ा गम रहता है। और एक्चुअली जब वो उनको लगता है कि वो हारने वाली हैं, अब उनकी खुशियां उनसे छिन जाएंगी, तो वह किसी भी हद तक जा सकती हैं, मरने मारने की हद तक जा सकती हैं, और उसके डिसअपॉइंटमेंट में हतोत्साहित होकर के वह पागल भी हो सकती है, आजीवन के लिए उसका याददाश्त से संबंधित समस्याएँ भी हो सकती हैं। जी मित्रों, हमने क्लिप तो देखा, बहुत सारे जो है घटनाक्रम को देखा और मरीज की जो है स्थिति को देखा। तो अगर जो इस दौर से इस तरीके के कोई मरीज हैं, हमारे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, अगर जो उनको देखने को उनके परिवार में मिल रहे हैं, तो अगर जो आपने बहुत सारी दवाइयां कर रखी हैं, कहीं से कोई आशा नहीं मिल रहा है, मरीज बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा है, उसकी पागलपन, बेचैनी, अनिद्रा, घबराहट और सारे इंसोमैनिया सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि वीडियो जानकारी मात्र हेतु बनाया गया है, दवा का प्रयोग रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करें। तो जी हां डॉक्टर साहब, कौन सी मेडिसिन हो सकती है इस मरीज के लिए? ये लेडीज फीमेल रेमेडी जो है हमारी प्लेटिना होम्योपैथिक मेडिसिन है, और प्लेटिना को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो जी हां दोस्तों, आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के परामर्श के अनुसार प्लेटिना का प्रयोग करें, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।